हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सब दा सवेर दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करते हाँ पंजाब दीआं मुख खबरां दी। इस वेले जो सब तो वड्डी पहली खबर आ रही है जी, विदेशां दे विच फसे पंजाबी विद्यार्थियों दे लई वड्डी राहत, वापस परतण लई सरकार करेगी मदद। पंजाब सरकार ने कोरोना के प्रकोप कारण विदेशों में फसे और वापस परतण की इच्छा रखने वाले राज के वसनीकों का वेरवा मंगया है। बहुत सारे विद्यार्थी घर परतण लई उत्सुक हैं, खास करके जिहड़े आस्ट्रेलिया और कनेडा के विच फसे हुए हैं। सीनियर सरकारी कार्यकारी ने कहा, जिलाधिकारियों वालों पहला ही राज के वख-वख हिस्सों के विच फसे विदेशी नागरिकों नूं यात्रा की सहूलत दी जा रही है। हुण विदेशों तो विद्यार्थियों के होर दी यात्रा लई केंद्र नाल मिलके प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि वापस आने की इच्छा रखने वाले लोगों नूं प्रशासन वालों दिते लिंक ते अपने वेरवे अपलोड करन दी जरूरत है। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि विदेशों के राजदूत ते हाई कमिश्नर विदेशों में भारतीयों के नाल बकायदा संपर्क के रेंदे हन ते उन्हां नूं सहायता दे रहे हैं। अगली खबर जी की होर वधेगा लॉकडाउन, 3 मई तो बाद दीआं तैयारियां शुरू। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूटा देने दौरान सरकार ने 3 मई तो बाद तैयारी शुरू कर दी है। देश के वख-वख हिस्सों के कोरोना की लागत प्रभावित व्यक्तियों की गिणती के हो रहे वाधे कारण इसको पूरी तरह हटाने की संभावना घट है। उंज भावें इस दे रूप दे विच कुछ तब्दीली करन अते कुछ खेतरां विच छोट दिते जाण की संभावना भी है। केंद्र सरकार के विभिन्न पद्धरों से हो रही लगातार समीक्षा लॉकडाउन होर अगे वधाउण बारे विचार हो रहा है। हुण तक किसी राज सरकार ने भी लॉकडाउन खत्म करन की गल नहीं आखी, सगों कुछ राज्यों ने तो 3 मई तो बाद भी कुछ समय लई पाबंदियां जारी रखने की हदायत जारी कर दिती है। कुछ खेतरां दे विच दुकानां खोलण नाल लोकां दीआं औकड़ां कटणगीआं। सूत्रां दे अनुसार विभिन्न एजेंसियों का मनना है कि जदों तक कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की गिणती दे विच कमी आउणी शुरू नहीं होवेगी, उस तों पहलां लॉकडाउन खत्म करन दे नाल खतरे वध जाणगे। अगली खबर जी, कोरोना की जंग में खुशखबरी, भारत में बनेगी ऑक्सफोर्ड फार्मूला की कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन बनाने वाली वड्डी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एतवार को कहा कि उसकी अगले 2 तों 3 हफ्ते के ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी की बनाई कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने की योजना है। उन्होंने उम्मीद है कि जेकर इंसानों से इसकी टैसटिंग सफल रही है तो यह 1 अक्तूबर तक बाजार के उपलब्ध हो जाएगी। अगली खबर जी, खाड़ी देशों में फसे भारतीय लिए राहत की खबर, अगले महीने किए जाएंगे एयरलिफ्ट। लॉकडाउन विश्व भर के कोरोना के बढ़ रहे फैलाव के मद्देनज़र किया गया है, किसी भी जहाज़ को किसी होर देश में जाने की आज्ञा नहीं दी जा रही, पर हुण भारत ने विदेशों में फसे भारतीयों को वापस लियाउण दीआं तैयारियां तेज कर लईआं हन। सूत्रां अनुसार अगले महीने तो खाड़ी देश में फसे भारतीयों को लियाउण की कवायद तेज कर दी जाएगी। अगली खबर दोस्तों, श्री हजूर साहब श्रद्धालुओं नूं लैण जा रही PLTC बस के ड्राइवर की मौत। श्री हजूर साहब विच पिछले 1 महीने तो श्रद्धालु रुके हुए सन, पर लॉकडाउन होने कारण वह उत्थे ही फस गए। हाल ही एक मंदभागी खबर सामने आई है, श्री हजूर साहब तो वापस लियाउण लई जा रही सरकारी बसों के काफले में शामिल एक PLTC बस के ड्राइवर मनजीत सिंह की अचानक दिल का दौरा पैण कारण मौत हो गई है। सरकारी बस का यह 34-35 साल उम्र का ड्राइवर मनजीत सिंह संगरूर जिले के पिंड बड़बड़ का दसिया जा रहा है। अगली खबर जी, कैप्टन का नवा फैसला किसानों लिए बनेगा वड्डी मुसीबत। आम तौर पर अप्रैल में कणक का सीजन खत्म होने के नेड़े पहुँच जाता है, फसल बेच किसान सौनी के सीजन की तैयारी में जुट जाते हैं, पर इस बार कैप्टन सरकार वालों कणक की खरीद लई मंडी का प्रबंध ही नहीं हो सकिया। हुण खराब मौसम करके किसान रुलण लग पे हैं। शनिवार को कई थावां ते किसानां ते पुलिस के विचाले टकराव होण लगा तो सरकार दीआं अखां खुल्लियां। हुण कैप्टन सरकार ने खरीद नीति में वड्डी तब्दीली कर दी है। मन्निया जा रहा है कि इस नीति दे नाल किसानों नूं लंबा समा मंडियां दे चक्कर लाने पैणगे। सरकार ने अनाज मंडियां विच एक दिन दौरान इको पिंड दे किसानां दीआं जिनसां इको मंडी विच आउणा यकीनी बनाउण दीआं हदायतां दित्तियां हन। किसान यूनियन ने खदसा जताया है कि नवें प्रबंध करके किसानों की खज्जल खुआरी होर बढ़ सकती है। अगली खबर जी, मोदी के ऐलान मगरों पंजाबियों को मिलेगी लॉकडाउन तो राहत। हुण कैप्टन करनगे आखिरी फैसला।
केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन में वड्डी राहत दी है। सरकार ने कोरोना होटस्पॉट से कंटेनमेंट जोन के बाहर आते इलाकों में मोबाइल फोन स्टेशनरी कपड़े लीड़े हार्डवेयर आदि समान वाली दुकान खोलन की आग्या दे दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल और मार्टिंग कंपलैक्स 3 मई तक बंद रहेंगे तो ना ही सलून नाई रेस्टोरेंट शराब की दुकान खुलन गया। पता लगा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हाले किसी भी किस्म की ढिल देने दे हक विच नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउंदी 30 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में ही दुकाना खोलने बारे कोई फैसला किया जाएगा। अगली खबर जी, कोरोना का कहर अमीरों ते वधेरे टैक्स अते गरीबों के खातों में पैणगे 5-5 हज़ार रुपए महीना। देशव्यापी तालाबंदी कारण प्रभावित आर्थिकता को मुड़ सुरजीत करने लिए भारतीय रिव्यू सर्विस के 50 अधिकारियों ने रिपोर्ट में 1 करोड़ तो वध सालाना आमदन वाले लोगों लिए आमदनी टैक्स की दर 40% तक वधाउण की सिफारिश की। इस दे नाल ओह गरीबां दे खाते विच महीने के 5 हज़ार दी पाउण की गल भी कर रहे हैं। अगली खबर जी, केजरीवाल का 2 टुक जवाब, सूबे में नहीं मिलेगी लॉकडाउन तो राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सरकार लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों दी गई इजाजत तो ज़्यादा ढिल नहीं देगी। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामले को घट करने का बीड़ा चुकया। ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग संबोधन करद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार 3 मई तक लॉकडाउन दौरान आस पास की दुकान खोलन केंद्र के दिशा निर्देशों लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी किसी भी बाजार या मॉल को खोलन की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगली खबर जी, कोरोना जंग के किसानों सेहत पुलिस से सफाई सेवकों का वड्डा योगदान। नरेंद्र मोदी कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज ऐतवार मन की बात प्रोग्राम राही देश को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि हर कोई अपनी समर्था मुताबिक कोरोना नाल जंग लड़ रहा है। श्री मोदी ने कहा साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है, हुण मौका है इस रमजान को संजम सद्भावना ते सेवा भाव का प्रतीक बनाइए। इस वास्ते सब तो पहला नालों वादे इबादत करी तां जो ईद आउण तो पहला दुनिया कोरोना तो मुक्त हो जाए। मन की बात विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगे कहा कि डॉक्टर सफाई मुलाजम होण जां फिर होर सेवा करन वाले लोग होण, साडी पुलिस व्यवस्था नूं लैके भी आम लोगों की सोच में काफ़ी तब्दीली आई है। इन सारे का कोरोना की जंग दे विच बहुत वड्डा हथ है। अगली खबर जी, देश में पिछले 24 घंटे 49 लोगों की मौत, हुण तक 26,496 लोग संक्रमित। देखो अगे सूबियां दे अंकड़े। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सने कई राज्यों तो जानलेवा कोरोना के नवे मामले सामने आए हैं। सेहत मंत्रालय अनुसार देश में हुण संक्रमित लोगों की गिणती 26,496 हो गई है। इस दे नाल ही हुण तक 824 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 5,804 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं। पंजाब दे विच भी हुण तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। अगली खबर जी, पबजी खेडण तो रोकण ते 12 साल लड़के ने भाखड़ा नहर च मारी छाल दित्ती जान। लॉकडाउन दौरान घर में बैठे 12 साल के बच्चे जो उसके पिता ने पबजी गेम खेडण तो रोकया तो नाराज़ हो के उसने भाखड़ा नहर के छाल मार दित्ती। ऐतवार 7 दिन बाद उसकी बॉडी शुतराणा तो बरामद हो गई है। अगली खबर जी, कोरोना जंग जितने की राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दित्ती सलाह। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए इसकी जांच में पैदा हो रही मुश्किलों को दूर करने तेज गति काम करने अपील की है। राहुल गांधी ने इस बारे माहरां के सुझाव का हवाला देते हुए ट्वीट करके कहा, इस वायरस के नाल नजिठण लई इस संक्रमण की जांच का घेरा वधाउणा ही सही विकल्प है। भारत में हाले 1 लाख लोगों विचों 40,000 का परीक्षण करवाउण दे पद्धर नूं वधाउणा होवेगा। अगली खबर जी, चंडीगढ़ के कोरोना का कहर जारी, 6 नवें पॉजिटिव केस आए सामने। चंडीगढ़ में कोरोना के 6 नवें पॉजिटिव केस सामने आने तो बाद हड़कंप मच गया है। इस दे नाल ही कोरोना के कहर कारण चंडीगढ़ में हुण तक पॉजिटिव मरीजों की गिणती वध के 36 हो गई है। जबकि इन 17 मरीज इलाज होने उपरंत अते रिपोर्ट नैगेटिव आने मगरों ठीक हो के अपने घर जा चुके हैं। इसके अलावा हुण 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का PGI सैक्टर 32 गौरमेंट मैडिकल कॉलेज समेत होरन हस्पतालों के इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ के सेहत विभाग के वलों ऐतवार शाम जारी किए गए मीडिया बुलेटिन की रिपोर्ट मुताबक ऐतवार को 6 नवें पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई है।
अगली खबर जी, इटली दे विच मौतां दी गिणती घटी, 4 मई तो लॉकडाउन विच मिलेगी ढिल। इटली विच कोरोना का कहर घटता जा रहा है, इसे महामारी नाल खराब हुई स्थिति हौली हौली सुधर रही है। इसने पिछले 24 घंटे 415 मौतां ते कोरोना के 357 नवे केस दर्ज किए हैं। इटली के सेहत मंत्रालय ने जानकारी दी कि तुहानूं दस दईए कि इकल्ले इटली विच ही कोरोना कारण 26,000 लोगों की जान जा चुकी है। उत्थे कोरोना नाल पीड़ित लोगों की गिणती 1,95,000 तो वध गई है। सब तो ज़्यादा कोरोना के केस इटली के लोमबार्डी खेत्र में सामने आए हैं। 20 फरवरी इटली के इस उत्तरी खेत्र में पहला केस दर्ज होया सी। शनिवार को कोरोना के 709 केस दर्ज किए गए। हुण तक इत्थे 72,000 तो वध कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान इटली के अधिकारी ने 4 मई ढिल दिते जाण तों पहलां आम लोगों को चेतावनी दी है। लोगों को दस्सिया गया कि लॉकडाउन में ढिल के बाद लोगों को समाजिक दूरी की सख्ती नाल पालना करनी पवेगी। जे अजिहा नहीं हुंदा तां मुश्किलां फिर तो वध सकदियां हन। महामारी लई सरकार दे कमिश्नर डोमिनिको अराकुरी ने कहा कि देश विच नर्सिंग होमां दे विच मुफ्त मास्क वंडे जाणगे। ਇਹ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।